नमस्कार, प्राइम न्यूज़ 24 में आपका स्वागत है। खबर जनपद हरिद्वार के झबरेड़ा से। पहली बार पहुंचे मुख्यमंत्री श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि हम किसानों का कर्ज माफ़ करने में सक्षम नहीं है। अगर किसानों का कर्ज माफ़ कर दिया तो राज्य की अर्थव्यवस्था चरमरा जाएगी। हमने तो मिलों को भुगतान कर दिया है, हम तोल केंद्रों की स्थापना कर रहे हैं जिससे तोल सही समय पर हो सके, और गन्ने के बकाया भुगतान को लेकर भी हम सही रणनीति बना रहे हैं। अटल आयुष्मान योजना राज्य के लिए संजीवनी साबित होगी। जब तक अंतिम व्यक्ति का कार्ड नहीं बन जाता तब तक अटल आयुष्मान योजना बंद नहीं होगी। मैंने अपने प्रदेश अपने क्षेत्र के लोगों से वायदा किया है कि हम हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा करेंगे। उन्होंने मेरी बहुत डांट खाई, रियली मेरी में बहुत डांटा इनको। मैंने कहा भाई ये फकीर नहीं करना चाहिए। कहने लगे मैंने वायदा कर दिया तो मैंने कहा मैं नहीं आऊंगा। और कोशिश करना चाहिए हमेशा अपने जीवन में कोई भी फालतू खर्चे हैं हमको बड़ी सादगी से काम करना चाहिए। और विशेषकर जो हम लोगों का सार्वजनिक जीवन जिन क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक श्री देशराज कर्णवाल जी, हमारे लक्षर क्षेत्र के विधायक श्री कुंवर प्रणव चैंपियन जी, रुपया राजस्व था खनन से, आज हमने 850 करोड़ इन 20 महीनों में उसको क्रॉस किया है। 850 करोड़ दुगने से ज्यादा हमने इस साल जो हमारा राजस्व होगा वो लगभग 850 करोड़ और ऊपर भी जा सकता है। हमारा बिजली का घाटा था 287 करोड़ रुपया सालाना, हमने पहले एक साल में 237 करोड़ रुपया घाटा कम किया। परिवहन में घाटा था, परिवहन में अब भी घाटा है लेकिन हमने उसमें भी कमाया। वन निगम जो हमारे घाटे में चल रहा था उसमें भी हमने 100 करोड़ रुपए पहले साल में हमने उसकी कमाई की है। और आज जब हमारी जेब में 2 पैसा हुआ तो कल मैंने ओडी से घोषणा करी, जो हमारा कमिश्नरी का हेडक्वार्टर है हरिद्वार भी उसी कमिश्नरी का हिस्सा है, हमने कहा हम अपने किसानों को 0% यानी ब्याज मुक्त ऋण हम अपने किसानों को उपलब्ध कराएंगे। बंद नहीं होगी इस योजना से मातृ और शिशु योजना, मृत्यु दर में कमी आएगी। झबरेड़ा के लिए सीएम की सौगात, 17 सड़कों के लिए सीएम ने 23 करोड़ रुपए स्वीकृत किए। झबरेड़ा में दूषित पानी की जांच के आदेश दिए, 75 हैंडपंप की घोषणा की। सीएम ने पूर्व सीएम की गन्ना यात्रा और गंगा यात्रा को लेकर भी निशाना साधा। सीएम ने कहा कि हरीश रावत पर फिलहाल कोई काम नहीं है, वो खाली है इस समय। अब वो गंगा यात्रा पर निकले या गन्ना यात्रा पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। स्वर्णों को प्रधानमंत्री मोदी द्वारा 10% कोटा दिए जाने के बारे में भी पूरी प्रशंसा करते हुए कहा कि यह एक सही कदम है। प्राइम न्यूज़ 24 के लिए ब्यूरो वीरेंद्र कुमार की खास रिपोर्ट।